हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे BTC को कि BTC क्या कर सकता है एंड साथ में मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबाना मत बोलना, ठीक है। सो राइट नाउ जस्ट मैंने कल नहीं बल्कि परसों वीडियो डाला था कि भाई हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, राइजिंग वेज बन रहा है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो ये एक राइजिंग वेज एक बेरिश पैटर्न होता है एंड जब भी ये ब्रेक होता है तो हमको एक अच्छा खासा डाउन दिखता है। एंड मार्केट के अंदर मैंने दो टारगेट आपको इस के अंदर बताए थे। पहला टारगेट था हमारा ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 20,700 का एरिया, और दूसरा मैंने बताया था 20,000 से लेकर 19,800 तक का, ठीक है। हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, उस वीडियो पुरानी वीडियो देख लेना, मतलब ये इससे पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जिसने भी शॉर्ट करा होगा अच्छा खासा स्कैल्प करके प्रॉफिट निकाल लिया होगा, ठीक है। सो राइट नाउ हमने कल भी अच्छी खासी ट्रेड्स ली थी लॉन्ग पोजीशन की, जब मार्केट इस वाले एरिया पे आया था ना, तो यहाँ से क्विक स्कोप स्कैल्प किया था। देखो अगर ये वाला एरिया अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनती है एंड सपोर्ट के आसपास से लॉन्ग किया था डायरेक्टली यहाँ तक जाते जाते हमको ऑलमोस्ट 100 से लेके 120 40 200 तक का प्रॉफिट मिल गया था, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एंड में। अभी राइट नाउ BTC क्या कर सकता है, अगर आप वन आवरली चार्ट पे जाते हो, वन आवरली ये वाला चार्ट मैंने खोला, मैंने वीडियो को ऑलमोस्ट 3 बार रिकॉर्ड करा है, गैलरी के अंदर मैं दिखाता हूँ, जस्ट 3 से 4 बार रिकॉर्ड करा है ये वाला वीडियो, देखो 3 से 4 बार रिकॉर्ड करा है। बार बार जो था ना वो मेमोरी फुल थी, इसी वजह से वो डिले हो रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही थी बट वो 30-40 मिनट सेकंड की हो रही थी, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा अगेन देख रहा था तो मार्केट में अभी बता रहा था कि मार्केट इस वाले एरिया पे हमको एक रिजेक्शन देगी। क्यों देगी? क्योंकि हम लोग 2-3 बार इस वाले एरिया से रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट जाती है, वन आवरली चार्ट खोल के देखो, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेती है, जब भी यहाँ पे जाती है रिजेक्शन ले रही है, जब भी यहाँ पे जाती है रिजेक्शन ले रही है। सो राइट नाउ एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, जब मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब अभी ये वाली कैंडल बनी ही थी, यहाँ पे सिर्फ कैंडल ही थी, उसका बॉडी नहीं था, ठीक है। फिर अगेन वहाँ से नीचे एक कैंडल क्लोज हो चुके हैं एंड दूसरी डेड भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो राइट नाउ इसीलिए मैंने अभी आज कोई भी लॉन्ग शॉट नहीं दिया था, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे लोग मेरे पास जो प्रीमियम मेंबर्स हैं ना, उनके पास है स्पॉट ट्रेडिंग, ज़्यादातर मतलब फ्यूचर वाले हैं, बट कुछ लोग हैं जिन जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वो लोग बाय करते हैं, यानी कि लॉन्ग करते हैं। तो मैं हर बार जो है ना मार्केट को फुल एनालाइज करके ही बताता हूँ कि भाई ये वाली चीज़ खरीद लो, ताकि मार्केट चलो थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर जाता है तो उसको मैनेज करना इजी हो। अब कुछ लोग स्पोर्ट वाले होते हैं तो मैं फिर उनको सिर्फ बाय करवाता हूँ, मतलब शॉर्ट नहीं करवाता हूँ। तो इसीलिए अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ मार्केट का कि भाई मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। अच्छी खासी यहाँ पे एक हमको दिख रहा है कि भाई रिजेक्शन हो रही है, तो ये वाला एरिया हमारा रिजेक्शन एरिया है, लेट्स सी। अभी तो नीचे आ रहा है, यहाँ से मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट कर लो, ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रहेगा, 22,000 के एरिया पे रहेगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, बट मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। अभी भी चांसेस ज़्यादा हैं कि नीचे ही आए। मार्केट के अंदर हमको हमारी जो हमारी डेली क्लोजिंग है ना, यहाँ पे मैं आपको डेली क्लोज दिखाता हूँ, डेली क्लोजिंग काफ़ी नीचे हुई है, 2 कैंडल्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं नीचे को। वेट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर बताता हूँ। मैं पहले ये वाली ड्राॅइंग ख़त्म करता हूँ, ओके, ये वाली ड्राइंग ख़त्म करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ड्राइंग ख़त्म, ये हमारी कल वाली कैंडल है जो क्लोज हुई है आज, एंड इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट हुई है 20,730 पे, मतलब इसने लो लगाया था 20,500 का। राइट नाउ मार्केट ऊपर गया है एंड अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटा मोटा डाउन आएगी मार्केट। मार्केट के अंदर मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, डेली क्लोजिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कन्फर्मेशन लेके ही हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक है अभी भी, फॉर अभी भी USDT के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है, सेल्सियस के बारे में न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने लोन नहीं दिया है, वो अपनी वो लिक्विडेट हो गए हैं, ये वो, इसीलिए मार्केट के अंदर पैनिक आता है। कल वाला अगर आपने क्रैश देखा होगा, क्रैश तो नहीं बोलेंगे बट डाउन देखेंगे, ये वाला एरिया 20,000 इस वाले एरिया से गिरी थी, 21,400-21,500 के एरिया से एकदम से मार्केट 15 मिनट की जाके कैंडल देखो, 2-3 कैंडल्स के अंदर हमको $1,200 एकदम गिरता हुआ दिखा रहा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए थे, ओके। सो राइट नाउ मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है कि भाई क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो है ना स्पोर्ट वाले भी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग बाय के ज़्यादा ऑर्डर्स लेते हैं, सेल के कम ही लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। सो राइट नाउ ये कल वाली हमारी प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पुराना है थोड़ा सा, ठीक है, कल सिटी के लिया था, ओके,
CTK लिया था, साथ में हमने मास कॉइन लिया था, ओके, फिर हमने GRT लिया था, फिर हमने TRX लिया था 122% के आसपास का, फिर हमने SRM, मतलब ऑलमोस्ट कल हमने 5 या 6 ट्रेड्स ली थी, ऑलमोस्ट टोटल अगर हम गिने तो हम 250-300% के आसपास इजीली गए थे प्रॉफिट करके। तो अगर आप भी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, फिर छोटी मोटी अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, मैं रेगुलर हो जाऊंगा, आप लोग भी आ जाना, मिलके हम लोग प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, पैसा ज़ाया नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, मे बी छोटा मोटा हमको अभी भी पंप दिखा दिया जाए फॉर छोटा मोटा, फिर क्लोजिंग यहाँ पे नीचे हो, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। भाई भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर।